वहीदा रहमान, हेलेन और आशा पारेख भारतीय सिनेमा की तीन ऐसी शख्सियतें जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अब ये तीनों शख्सियतें वहीदा रहमान, हेलेन और आशा पारेख ये अब बांद्रा के चैपल रोड की एक दीवार पर पेंटिंग के रूप में चस्पा हो गई हैं। खास बात यह है कि आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान तीनों बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं। आज भी इनकी दशकों पुरानी जो दोस्ती है वो कायम है और ये तीनों अब इस रोड पर जब जहां पर ये उनका मुरल बनाया गया है, जहां पर ये पेंटिंग बनाई गई है, ये काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रही है। लोगों का ध्यान जो यहां से गुजरते हैं उनका ध्यान इस मुरल पर, इस पेंटिंग पर जाता है जहां पर आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान का डांसिंग पोज वाली एक तस्वीर उकेरी गई है, एक पेंटिंग उकेरी गई है। इस पेंटिंग को किसने उकेरा है आज हम आपको उससे मिलाएंगे। उस शख्स का नाम है रंजीत दहिया, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम रंजीत से बात करेंगे। रंजीत, आप एक बहुत ही जुनूनी किस्म के पेंटर हैं। आप बॉलीवुड की तमाम हस्तियों को बांद्रा की दीवारों पर उकेरते रहते हैं। आज आपने आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान की जो पेंटिंग बनाई है, क्या सोचकर आपने बनाई? तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या आपके दिमाग में ये चल रहा था कि इनकी जब पेंटिंग बनाई जाए तो ये दोस्ती आपके जहन में थी? बिल्कुल थी सर मेरे जहन में, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से हेलेन जी का एक म्यूरल बनाना था, पर मेरे को अभी ये दीवार मिली तो मेरे को मौका मिला कि मैं हेलेन जी के साथ साथ आशा पारेख जी और वहीदा रहमान जी का भी साथ में ही एक म्यूरल बनाया जाए। सो मेरे को जब ये दीवार मेरे को मिली तो फिर मैंने सोचा कि बीच में हेलेन जी एक साइड में, आशा पारेख जी एक साइड में, वहीदा रहमान जी को मैं बनाऊं। और ये 70s की बहुत मशहूर एक्टर अदाकारा रही हैं और मैं हमेशा बॉलीवुड, क्लासिकल बॉलीवुड का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मेरे को था कि मैं इनको बनाऊँ और इनको भी लोग जाने, बिकॉज दे आर अभी क्योंकि न्यू जनरेशन वाले जो लोग हैं उनको पता नहीं है इनके बारे में, तो मेरे को था कि न्यू जनरेशन को भी पता लगना चाहिए कि हमारी 70s की जो बॉलीवुड की जो दीवाज हैं, जो उस टाइम पे जो जिन्होंने एक बेहतरीन अदाकारा है, जिन्होंने पूरे बॉलीवुड को चेंज कर डाला है, तो उनको मेरे को इधर पेंट करना था। तो इसीलिए मैंने वहीदा जी, हेलेन जी और आशा पारेख जी को बनाया इधर। इस पेंटिंग की, इस मुरल की एक खास बात ये भी है कि हम जो ये तीनों पेंटिंग, एक पेंटिंग जो देख रहे हैं जिसमें तीनों हैं, ये डांसिंग पोज है। वहीदा रहमान का डांसिंग पोज है, हेलेन तो एक डांसर थी ही, आशा पारेख का भी डांसिंग पोज है। डांसिंग पोज क्यों चुना आपने, इसकी क्या खास वजह है? सर ये तीनों दीवास दे आर द क्लासिकल डांसर्स ऑफ बॉलीवुड, सो मेरा एक ये जरूरी भी मेरे लिए भी था कि इनका डांसिंग पोज ही बहुत जरूरी है, और मेरे को था कि मैं इस स्ट्रीट के अंदर एक श्रृंगार रस लेके आऊँ। अच्छा। और श्रृंगार रस इन दीवाज के और इनके थ्रू ही मैं लेके आ सकता था, तो मेरा एक ये भी रीज़न था कि मैं इस गली के अंदर एक ब्यूटिफिकेशन, जो भी लोग देखे तो वो दे विल फील वाओ, यू नो, एंड दे विल वो एकदम देख के अचंभित हो जाए, तो वो भी मेरा एक कारण था कि मैं इनको इधर पेंट करूँ। अमिताभ बच्चन, आपने अमिताभ बच्चन, मधुबाला, दिलीप कुमार, ऋषि कपूर, इरफान खान, ऋषि कपूर और इरफान खान का की जो मुरल है आपने पिछले साल जब उनका देहांत हुआ था उस वक्त बनाई थी, क्या आकर्षित करता है आपको बॉलीवुड में, और क्यों आपको लगता है कि इनकी तस्वीरें बड़े बड़े स्टार्स की जो काफी लोकप्रिय रहे हैं, लोगों के जहन में अपनी एक इमेज बनाई है उन्होंने, उनकी तस्वीरें बनाई जाए? सर ये सिटी बॉलीवुड है, यू नो, मुंबई से बॉलीवुड सिटी, आई मीन वन ऑफ द एक चार्म है यहाँ पे बॉलीवुड का, तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो बाहर से बॉलीवुड देखने के लिए आते हैं, पर उनको बॉलीवुड के नाम पे क्या दिखाई देता है, शाहरुख खान साहब का घर, अमिताभ बच्चन जी का घर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा एक प्रोजेक्ट चालू करूँ जिसमें लोग आके दे कैन फील बॉलीवुड इन दिस सिटी, सो इसीलिए मैं बॉलीवुड इस सिटी के अंदर मैं बना रहा हूँ कि ताकि लोग आके इधर बॉलीवुड फील कर सके, ओ दिस इज ए बॉलीवुड सिटी, यू नो। चलिए फिर से हम इस मुरल पर आते हैं, इस पेंटिंग पर आते हैं, ये बताइए ये इसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, कितना वक्त आपको लगा बनाने में, कितने पैसे खर्च हुए वो भी बताइए, तमाम जानकारी हमें दीजिए। तो सर मेरे को इसके कंप्लीट, इसकी लंबाई चौड़ाई है, लंबाई 55 फीट है, ऊंचाई है इसकी 25 फीट। हाँ। और मेरे को तकरीबन 17 दिन लगे इसको कंप्लीट करने के लिए। हाँ। और मेरा पैसा तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया मैंने इसमें लगा दिया है पेंटिंग। हाँ। में। अच्छा। विद एवरीथिंग, मटेरियल,
फूड एंड यू नो जो लेबर लॉट्स ऑफ खर्चा, तो 4.5 लाख के करीब मैंने खर्च कर दिया इसमें, 4.5-5 लाख भी अराउंड, हाँ मैं अभी तक काउंट नहीं किया है, पर यही 4.5, 4.5 और 5 के बीच में। 25 फुट बाय 55 फुट, हाँ फुट है, 25 फीट इसकी हाइट है और 55 फीट इसकी लंबाई है। तो आप जब भी बनाते हैं बॉलीवुड की हस्तियों की पेंटिंग्स, वो विशालकाय होती है, आप ऐसी ही दीवार, बड़ी सी दीवार चुनते हैं बांद्रा के गलियों में? हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़े स्केल में, तो अभी तो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन साहब का जो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूरल है ऊंचाई में, इसे 230 फीट का म्यूरल है, और मैं तो चाहता हूँ कि कोई 100 माले की बिल्डिंग पेंट करूँ बॉलीवुड की। सो दिस इज माई ड्रीम, सो लेट्स सी कि मैं आने वाले दिनों में आई विल पेंट मोर बॉलीवुड इन दिस बॉलीवुड सिटी। यस, आप कमीशन पेंटिंग भी करते हैं, कमर्शियल पेंटिंग्स भी करते हैं, लेकिन जब इस तरह की आप पेंटिंग्स करते हैं बांद्रा की गलियों में, ऐसी दीवारों में, आपको इनसे कमाई तो नहीं होती है? हाँ सर। तो कैसे आप मैनेज करते, जो इतना खर्चा आप करते हैं किसी भी पेंटिंग में, लाखों रुपए खर्च होते हैं, तमाम खर्चे आपने बताए, वो कैसे मैनेज करते हैं सर? मैं आपको क्या स्पॉन्सरशिप भी मिलती है? नहीं, स्पॉन्सरशिप तो मेरे को मिलती नहीं है अभी तक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं कमर्शियल काम करूँ उसमें से कुछ परसेंटेज बचा के तो मैं इन पेंटिंग्स में लगाऊँ, पर इसके लिए मेरे को कमीशन किया गया है, इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे पैसा मिला है इसके लिए। सो ये एक कंपनी के थ्रू कमीशन्ड वर्क है, कमीशन्ड वर्क। सो इसमें पहले जो मैंने पेंट किया था उसमें किसी और ने आके पेंट कर दिया था, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे काफी उनकी वो देवी और मधुबाला की और अनारकली का पेंटिंग था, तो फिर किसी ने हटा के अपना अपना प्रचार कर दिया था, प्रचार कर दिया था, तो उसके बाद जब लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे तो इट गॉट वेंट वायरल, ये आपने क्या किया, तो फिर उन्होंने बाद में बोला कि चलो ठीक है हम उन्हीं आर्टिस्टों को बुलाते हैं और उनसे ही दोबारा से पेंट करवाते हैं इधर। सो इसीलिए फिर उन लोगों ने मेरे को कमीशन किया और मैंने ये पेंट किया। आप ये मुंबई में कितने साल से कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए, ये जो मुरल्स और पेंटिंग्स आप बना रहे हैं बांद्रा की गलियों में, कितने सालों से बना रहे हैं आप? सर मैंने बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट मैंने 2012 में चालू किया था, मेरा फर्स्ट पेंटिंग था अनारकली का, फिर मैंने मधुबाला जी का बनाया, फिर मैंने दीवार बेंच स्टैंड पे, हाँ बेंच स्टैंड पे बनाया था, तो मैं तकरीबन 9 साल हो गए सर आज मेरे को ये पेंटिंग करते हुए। मैं US में भी जा चुका हूँ पेंटिंग करने के लिए, जो मैंने मधुबाला बनाई थी, एक शख्सियत इधर आए घूमने के लिए, उन्होंने देखा कि अरे मधुबाला, तो उन्होंने उसके बारे में पढ़ा एंड ही गॉट वेरी इंस्पायर्ड एंड उन्होंने मेरे को बुलाया कि प्लीज़ आप अमेरिका आओ और मेरे घर पे ये पेंट करो, तो मैं गया उधर पेंट करके आया उनके लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीत दहिया, जो इस तरह की बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स हैं, जो मुरल हैं बांद्रा की गलियों में, खासकर चैपल रोड के आसपास इस तरह की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं। खासियत इनकी यह है कि बॉलीवुड के जो यस्टर ईयर के जो स्टार्स हैं, गुजरे ज़माने के जो स्टार्स हैं, वो उनको काफ़ी पसंद आते हैं और उन्हीं को, ज़्यादातर उन्हीं को इस तरह से दीवारों पर उकेरते हैं और ये फिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।